हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज के स्मॉल डोज ऑफ इंग्लिश में हम सीखेंगे कुछ काम के सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपने रोज के जीवन में यूज़ कर सकते हैं और कई बार उनका ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अपना होमवर्क चेक कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस लिए थे, सो प्लीज़ चेक योर होमवर्क। तो आई होप आपके सेंटेंसेस सही हुए होंगे और यदि कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं तो उन्हें आप सुधार लीजिए। अपनी गलतियों से आप सीखिए। एवरी मिस्टेक इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है आपके सामने, माइट इज़ ऑलवेज राइट। पहले शब्दों को सीख लो। देखिए, माइट का अर्थ होता है ताकत या शक्ति। वैसे माइट एक मॉडल भी है, जैसे कैन का कोड होता है, मे का माइट होता है, तो हम उस माइट की बात नहीं कर रहे हैं। माइट के कई अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। यहाँ पर फिलहाल माइट एक नाउन है जिसका मीनिंग है ताकत या फिर शक्ति। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा और राइट का अर्थ होता है सही। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ताकत हमेशा सही होती है। अब ताकत हमेशा सही होती है का क्या अर्थ हुआ? कि जो सही है वो सही नहीं होता हमेशा। जो ताकत है यानी जिसके पास ताकत है, पावर है, उसको लोग सही मानते हैं। गरीब की कोई नहीं मानता, अमीर बोलेगा तो सही है। ये सेंस आ रहा है इसमें। तो इसके लिए हमारी हिंदी में क्या कहावत है? हमारी हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो आज का ये पहला सेंटेंस है, माइट इज़ ऑलवेज राइट। और आजकल इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसी को कहते हैं, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आपने सुना होगा, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इसका यही तो अर्थ हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास ताकत है, जो व्यक्ति राजा है वो सही है, मतलब गलत होते हुए भी सही है, ऐसा बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम शॉर्ट ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ 5 रुपीज़ की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। पहले ज़रा शॉर्ट को समझ लो। देखिए, शॉर्ट के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है नाटा, यानी कि टॉल का ऑपोजिट। टॉल लंबा, शॉर्ट नाटा छोटा, हाइट में जो कम है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट। और शॉर्ट का दूसरा मीनिंग होता है कम। ये किसी भी वस्तु की कमी को दर्शाता है, इसी से शॉर्टेज बना है। शॉर्ट का नाउन क्या होता है? शॉर्टेज। आपने सुना होगा, पानी की शॉर्टेज चल रही है या फलानी चीज़ की शॉर्टेज चल रही है, मतलब क्या चल रही है? कमी चल रही है। अब आ जाते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस है, आई एम शॉर्ट ऑफ 5 रुपीज़। इसका मीनिंग होता है, मेरे पास 5 रुपये कम हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती जहां पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, आप कोई सामान खरीदने गए और कुछ पैसे कम पड़ गए, तो आपने भाई दुकानदार से बोल दिया, क्योंकि वो पहचान का है, रोज की बात है। आपने कहा, आई एम शॉर्ट ऑफ 5 रुपीज़, मैं आपको कल दे दूंगा। बाकी हिंदी में बोल दो, क्या दिक्कत है? जितना बने उतना बोलते चलो, बोलते चलो, पूरा सीखने का इंतज़ार मत करो। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो, और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप कह सकते हो, वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे कम हैं। वी आर शॉर्ट ऑफ पेट्रोल, हमारे पास पेट्रोल कम है। यू आर शॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। तो आप यहाँ ऑफ के बाद कुछ भी लगा सकते हो। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू हेल्प विथ। वैसे ये सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज़ है, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो हेल शब्द को समझो। हेल का अर्थ होता है नर्क। आपने सुना होगा, अक्सर लोग गुस्से में कह देते हैं, गो टू हेल, नर्क में जाओ, यानी कि भाड़ में जाओ, ऐसा आपने सुना होगा।
तो ये जो हेल शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है वैसे तो नर्क, लेकिन अंग्रेज हेल शब्द का यूज़ कभी कभी अपने गुस्से, अपने अंदर के इरिटेशन को व्यक्त करने के लिए, चिढ़ को व्यक्त करने के लिए भी करता है। तो जब कोई कहता है टू हेल विथ, और विथ के बाद आप कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, यानी कि कोई भी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम लगा के अपनी चिढ़ को व्यक्त कर सकते हो। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है ये। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पैसे उधार लिए, ठीक है, आपने उसको दे दिए, उसने कहा कल दे दूँगा, जब आप कल गए उसने कहा कल दे दूँगा, ऐसा टालता रहा और हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई समस्या उसने आपको बताई कि भाई आज मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पारा चढ़ जाएगा, तो आप अपनी चिढ़ को व्यक्त करोगे और आप कहोगे टू हेल विथ योर प्रॉब्लम। देखो हमने विथ के बाद क्या लगा दिया, योर प्रॉब्लम, टू हेल विथ योर प्रॉब्लम। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी भाड़ में जाए तुम्हारी समस्या। ये भाड़ में जाओ नहीं है, वो तो गो टू हेल होता है, ये क्या है भाड़ में जाए या फिर भाड़ में गई। हम ऐसा भी कहते ना हिंदी में कि भाड़ में गई ये चीज़। तो जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, विद के बाद लगा दूँ। कोई आपका फ्रेंड है, नई बाइक लेके आया है, कार लेके आया है, आपने कहा भाई ज़रा एक बार चलाने दे दो, एक चक्कर चलाने दे दो, तो उसने मना कर दिया, आपने कहा टू हेल विथ योर बाइक, टू हेल विथ योर कार। कुछ भी आप लगा सकते हो, दोस्ती तोड़ रहे हो टू हेल विथ योर फ्रेंडशिप। इसमें आप पर्सन भी लगा सकते, जैसे आप किसी को कह सकते हो टू हेल विथ यू एंड योर फ्रेंडशिप। देखो दोनों बातें आ गई, यानी भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी दोस्ती। तो ये गुस्से में यूज़ किए जाने वाला एक सेंटेंस है, बड़ा संभल के यूज़ करें, कहीं भी किसी को चमकाने के उद्देश्य से ना करें, सोच समझ के यूज़ करें। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते। नेक्स्ट है आई एम फेड अप विथ। अब आप विथ के बाद कुछ भी लगा दो। देखो ये जो फेड होता है, ये फीड का थर्ड फॉर्म है वैसे तो। फीड क्या होता, खिलाना, और फेड क्या हो गया, बहुत ही खिलाया पिलाया हुआ समझ लो। जब हम बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं, चाहे वो हमारी फेवरेट डिश ही क्यों ना हो, तो हम उससे ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं, उससे हमारा मन उठ जाता है, तब हम ऐसी स्थिति में यूज़ करते हैं आई एम फेड अप विथ। यानी जब भी आप किसी चीज़ से ऊब जाएँ, थक जाएँ, उकता जाएँ, उससे आपका मन उठ जाए, अब उसको करने का मन ना करे, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो आई एम फेड अप विथ माई ओल्ड बाइसिकल, मैं अपनी पुरानी साइकिल से ऊब गया हूँ। यानि पुरानी साइकिल अब क्योंकि बार बार परेशानी दे रही है ना, बार बार बिगड़ रही, तो आप उससे ऊब गए हो। इसी तरह कोई कह सकता है आई एम फेड अप विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से ऊब गया हूँ। कोई कहेगा आई एम फेड अप विथ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से ऊब गया हूँ। और फिर पत्नी कहेगी आई एम फेड अप विथ माई हस्बैंड। तो आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो जिससे भी आप ऊब गए हो। अब यहाँ आपके लिए एक और बात बता दें आपको कि यहाँ पर विथ की जगह आप ऑफ का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सही है विथ, आप ऑफ भी लगा सकते। जैसे आई एम फेड अप ऑफ माई लाइफ, आई एम फेड अप ऑफ डूइंग दिस वर्क। अगर कोई काम लगा रहे, कोई क्रिया लगा रहे, तो आई एन जी के साथ आप जोड़ के लगा दो। ओके, जैसे आप कह सकते हो आई एम फेड अप ऑफ लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, मैं एक सामान्य साधारण जीवन जीकर ऊब गया हूँ। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी मीनिंग का है। देखिए क्या है, वो है आई एम टायर्ड ऑफ। इसमें ऑफ आता हमेशा, और ऑफ के बाद आप कोई भी नाउन, प्रोनाउन या क्रिया लगा दो आई एन जी फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड ऑफ माई ओल्ड लैपटॉप, मैं अपने पुराने लैपटॉप से ऊब गया हूँ। वैसे टायर्ड का अर्थ होता है थक गया हूँ, लेकिन यहाँ थकने का सेंस नहीं आता,
ऊबने का सेंस आता है। वैसे जब आप थक जाते हो तो ऊब ही जाते हो, ओके। इसी तरह आप कह सकते हो आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम फूड, मैं एक ही खाना खा खा के, एक जैसा खाना खा खा के ऊब गया हूँ, ओके। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस काम के लगे होंगे। यू मस्ट हैव इन्जॉयड द वीडियो। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देने वाला हूँ अभी, आप अपने नोटबुक पर इन सेंटेंसेस को ज़रूर लिखिए, सॉल्व कीजिए, भले गलतियाँ होती होने दीजिए, अगले वीडियो में इसके जो भी सॉल्यूशन है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप हमको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, ओके। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।